और जयपुर से बड़ी खबर है, खबर जेडीए से जुड़ी। 24 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है। जेडीसी आनंदी ने पत्रावलियों पेंडेंसियों की जांच की, अधिक पेंडेंसी वाले अधिकारियों को नोटिस थमा दिया है। 24 अधिकारी कर्मचारियों के खाते में 7 दिन से अधिक की पत्रावलियां मिली। पत्रावलियों का समय से निस्तारण नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है। लेट लतीफी का 3 दिन में जेडीए सचिव को लिखित में अब इन्हें जवाब देना होगा। 3 दिन में लेट लतीफी का नहीं दिया जवाब तो होगी कार्रवाई। दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, अगर सीधे शब्दों में कहूं, कामचोर अधिकारी कर्मचारियों पर अब होगी कार्रवाई। बिल्कुल सुमित, आपका कहना बिल्कुल 100% सही है कि अब काम चोरी बख्शी नहीं जाएगी, जो काम चोरी करेंगे उन पर काज गिरेगी। ये एक बड़ा संदेश जेडीसी आनंदी ने दे दिया। जेडीए में अब लेट लतीफी नहीं चलेगी, क्योंकि जब से जेडीसी आनंदी ने कार्यभार ग्रहण किया बतौर जेडीसी, और एक मैसेज उन्होंने दे दिया था, पहले ही दिन सबको अलर्ट कर दिया था कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 18 साल की सर्विस का आप चेक कर लीजिए, मुझे काम पसंद है, काम करने वाले लोग पसंद है, और काम के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिकारी सचेत नहीं हुए, सावचेत नहीं हुए, अब उन पर गाज गिरना तय है। उसके बावजूद भी जो लेट लतीफी कर रहे हैं, अब उन पर कार्रवाई होना तय है। जब सीडीसी आनंदी ने राजकाज पोर्टल को चेक किया और उस पर फाइलों की पेंडेंसी देखी, तो उन्होंने सीधा सीधा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जेडीए सचिव निशांत जैन को निर्देश दिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, और अधिकारियों से जवाब मांगा गया। अब 3 दिन का समय दिया गया है पत्रावलियों को सबमिट करने का भी, 7 दिन के अंदर अंदर पत्रावलियों को सबमिट करना है, पूरी करना है, काम को निस्तारित करना है, और उसके साथ साथ 3 दिन में जवाब भी देना है कि आखिर क्यों ये पेंडेंसियां हुई जे? क्यों लेट लतीफी हुई, इसका जवाब भी देना। और इसमें भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि अगर 3 दिन में आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, अपनी सफाई पेश नहीं करते हैं, तो फिर जेडीए की तरफ से एक तरफा कार्रवाई होगी, उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।